बस बस इतना ज्यादा नहीं डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अमो इब्राहिम किचन। अल्लाह के फजल व करम से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ दलिया इब्राहिम के लिए, दूध वाला दलिया, और अपने लिए हम बनाएंगे पराठे और ऑमलेट। ऑमलेट के लिए मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। एक छोटा सा आलू लिए, उसको पहले फ्राई कर रही हूँ, और दो अंडे लिए हैं, इसमें मैंने हरा प्याज डाला है, चीज़ डाली है, नमक मिर्च, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। जी हमारा ऑमलेट रेडी हो रहा है, तो अभी हम इसके बाद फिर पराठे बना लेते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें। आप सबके तावुन से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, बहुत शुक्रिया। जी हमारा चीज़ ऑमलेट तो रेडी हो गया, साथ में ये दलिया भी रेडी है। अब नेक्स्ट बारी आती है पराठे और चाय की, तो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा मेरा व्लॉग। जी पराठा बनाने की, पराठा हम बनाएंगे, ऑमलेट रेडी है, तो चाय भी मैंने रख दी है। बिस्मिल्लाह, ऑयल, और आप बताएं कमेंट्स करके आप लोग नाश्ते में क्या लेते हैं। हमारा नाश्ता तो ज़्यादातर ब्रेड पे ही होता है, हफ्ते में एक आधा दिन पराठे बना लेते हैं। जी ये हमारा थर्ड पराठा और लास्ट वन। इब्राहिम की न्यू चप्पल आई है अभी। नाश्ता हमारा रेडी है, लेकिन मियाँ साहब अभी तक आने का नाम नहीं ले रहे। जब कॉल करो कहते हैं वो पराठा बच जान गया, कॉल करो यही है 10 मिनट, 10 मिनट, पता नहीं 10 मिनट एक घंटे के हैं। जी अभी लंच का टाइम है, और लंच में हम बना रहे हैं अरवी गोश्त। अरवी गोश्त ये इसकी बुनाई हो रही है, अरवियाँ मैंने इसी तरह साबत ही रखी हैं, तो गोश्त भी तकरीबन गल चुका हुआ है। अब मैं थोड़ा पानी डाल के अरवियों को गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो हमारे यहाँ ये अरवी गोश्त 100 रुपये वाला बनता है, तो भाई भी शौक से खा लेते हैं, मियाँ साहब भी शौक से खाते हैं, तो रोटी हम बाहर से ले आएँगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आप सब लोग कैसे हैं कमेंट्स करके बताइएगा। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आप सब घरों में रहें, अभी कोरोना फिनिश नहीं हुआ, और अब वैसे भी मुहर्रमुल हराम है, बाहर ज़्यादा रश होगा, तो रश से बचने की कोशिश करें। सो इवनिंग टाइम अब हम आ गए हैं अभी अपने इधर शॉपिंग मॉल में विंडो शॉपिंग के लिए। आपको अच्छी अच्छी सी चीज़ें नज़र आएंगी। तो यहाँ पे थी 70% डिस्काउंट, ये इधर आप देख रहे हैं शूज़ हैं, स्लीपर वगैरह, हाउ घर में पहनने वाले शूज़ स्लीपर हैं, बैग हैं, बैकपैक, छोटी छोटी बच्चियों के लिए भी पिंक पिंक कलर के प्यारे प्यारे से बैग्स थे, इन पे भी 70% सेल थी। एनीवे ये तो इधर हमारे सिटी में ही है, आप लोगों को बस देखने को ही अच्छा लगेगा। तो मैंने तो इब्राहिम के लिए ड्रेस ही लिए थे, बैग भी थे, ये लगेज बैग, ये भी अच्छी ऑफ़र थी। तो इब्राहिम के लिए शूज़ लिए मैंने, और घर में पहनने के लिए सॉफ्टी ली, और टी शर्ट्स वगैरह मैंने ली उसके लिए। तो बाकी की भी आप वीडियो साथ ही देखते जाएँ, आपको मज़ा आएगा। क्वालिटी अच्छी होती है इनकी,
स्पाइडर मैन वाले शूज़ बच्चों के, सॉफ्टी बंद शूज़। काफ़ी बड़ा है ये सेंटर पॉइंट, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा आप, और अच्छे से कमेंट्स भी करें। तो ये देखें आप, नेक्स्ट ये आ गया है बच्चों के ग्रीन शू ड्रेस। एक्चुअली सऊदीया का नेशनल डे आ रहा है नेक्स्ट सितंबर में, तो उसके लिए, नेशनल डे के लिए ये ड्रेस है। Thank you.